Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to make white sauce chicken pasta. जिसके लिए आपको ingredients चाहिए, बहुत ही minimal से ingredients हैं, very simple. आपको cheese चाहिए, 2 tablespoon butter लिया है मैंने, 1/2 teaspoon black pepper है, 1/2 teaspoon salt है, 2 tablespoon हमने all-purpose flour लिया है, that's maida. जूलियन कट 1 फिलेट का पीस मैंने लिया है, 1 कप ही फुल हमें पास्ता चाहिए, पार्सले है, बेजल है एंड ऑयल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस तरह से एक पैन लेंगे हम, उसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है और उसके अच्छे से हीट अप कर लेंगे. सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट गार्लिक, इसमें गार्लिक ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे जस्ट फॉर 1 मिनट. साथ ही इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे. इसको हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे. साथ ही हमारा पास्ता के लिए पानी बॉईल हो चुका है, हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे. पास्ता मैंने ऐड कर दिया है, अब हम 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे. इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड करेंगे. पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है, साथ में हमारा चिकन भी रेडी हो रहा है. इसमें हम पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे एंड पिंच ऑफ साल्ट ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से कैंडल कर लेंगे. थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे. पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है. 2 टाइप्स का पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हैं. इसको हमने ज़्यादा मैशी नहीं करना. चिकन हमारा डन हो गया है, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया. अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे. बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून आल पर्पस फ्लावर जो मैदा है वो ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है. ख्याल रखिएगा ये बर्न ना हो, जले ना. जब इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब आपने इसमें मिल्क ऐड करना है, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताना भूल गई हूँ. इसको हम स्लोली स्लोली जो है वो इस तरह से फ्राई करेंगे. इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है. अब ये हो चुका है, खुशबू भी आ रही है. इस पॉइंट पर हम इसमें 1 ग्लास मिल्क ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे. इस तरह से मिल्क आपने जो है वो इतनी ही कंसिस्टेंसी में रखना है, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि अभी हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे. इस तरह से हमने चीज़ ऐड कर दी है, इसको हम मिक्स करेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे. ज़्यादा टाइम नहीं इसको हमने हीट पे रखना, जस्ट 1 मिनट के लिए ये मेल्ट. इनफैक्ट लेस देन 1 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी. साथ ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे. इस तरह से हमने इसको रखना है, साथ ही हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे. पास्ता हमने इसमें बॉईल कर लिया है, इसको 1 मिनट के लिए इसमें मिक्स करके पकाएंगे. 1 पिंच हमने ब्लैक पेपर ऐड करना है एंड ये मिक्स हो गया. 1 पिंच ऑफ साल्ट ऐड कर देना है. आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको और डालना है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ में भी ऑलरेडी जो है वो काफ़ी वो भी साल्टेड होती है. सो केयरफुल अबाउट द साल्ट. मुझे थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में पसंद है. ये अभी जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा. इस तरह से अब हम इसको 1 to 2 मिनट्स के लिए चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. साथ ही हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे. जब इस तरह से इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आपने पास्ता ऐड कर देना. हमारा वाइट सॉस यमी पास्ता रेडी है और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ. इस तरह से हमने इसको एक प्लेट में डाल लिया है. थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बेजल ऐड किया है, इस तरह से. थोड़ा सा हम इसके ऊपर पार्सले ऐड कर देंगे, इस
तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। देती हूँ इजाज़त इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपने दीन और दुनिया और अहलो माल में फजल आफियत का सवाल करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।